जिला चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर, मानिकपुर ब्लॉक का है ये लालापुर स्थान। यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर के देखने। तो जो घटना हुई है 29 तारीख को गुड़िया नाम लड़की के, तो यहाँ पे कुछ जानकारी मिली है कि यहाँ पे लड़की को पेड़ में फांसी लगा के लटका दिया गया है। तो उसमें मानना है कि उसने रेप किए हैं और फिर उसको फांसी में लटकाया गया है। अरे सुबह एक हाफ एक मीटिंग गए स्कूल है, स्कूल गई थी और रास्ते में मोटरसाइकिल गड़बड़ हो गई और गए हमको सूचना मिली। हम जाके मोटरसाइकिल से उसको खोजने को पता किया। जस्ट 10 मिनट बाद पुलिस फोन जाता है, बोलते हैं गया अपने ही गाँव का आदमी एक नेता बोलते हैं उसको, वही कह रहा था कि तुम्हारी लड़की कहाँ होगा, स्कूल गई है, स्कूल तो नहीं है वहाँ, तेरी लड़की तो लास्ट तक ही है बाहर में, तो लिवा करके गए वहाँ पर से लेकर के गए ऊपर चढ़ाने में, चढ़ा करके वहाँ पे बलात्कार भी किया, बलात्कार करके उसको उसके गले में पत्थर डाल दिए, पत्थर डाल करके दोनों इधर उधर से खींचे और उसको मार डाला, फिर उसके छाती में पत्थर मार दिए, पत्थर मार करके उसको फांसी को लटका दिए, उसको ऊपर बांध करके उसको लटका दिए। तो गुड़िया के कब से आपके साथ दोस्ती हुई है? बहुत दिन से। तो किस क्लास में पढ़ती है? 10 में। तो कल क्या हुआ है? वो हमारे साथ 7 बजे निकले घर से और वहाँ तक गए, पंचर हो गई उसकी साइकिल, तो हम आगे चले गए और उसके उसे कहा कि घर लौट जाओ, तो नहीं आए है। तो उसकी साइकिल कहाँ पे पंचर हुई है? चनहत में। तो साइकिल वहीं पे रख दी है? अब हमें पता नहीं है। पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो 2-3 बिटिया साथ में गई थी वहीं पर, उसकी बिल्कुल ये पड़ोस की, तो इसकी गाड़ी बीच में पंचर हो गई। वो बोला बेटी को कि ऐसा है तुम घर वापस चले जाओ और हम जा रहे हैं स्कूल को, लेट हो जाएंगे। तो उसने वो साथ वाली चली गई ये गाड़ी बनवाने लगी, और कुछ लोग हैं जो गाड़ी बनवाने के बाद ये गाड़ी में गई है, फिर इसके बाद गायब हो गई। अब ये फेम नहीं पता। ये उनके सदस्यपुर लालापुर जंगल में एक बच्ची की बॉडी मिली थी, जिसमें उसने अपने फांसी लगा के हत्या की थी। उसका आवश्यक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो बच्ची प्रेगनेंट पाई गई थी, 3 महीने की। घर वालों की तारीफ जो भी आई उस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।